इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर अक़वामे मुत्तहिदा की कौंसल बराए इंसानी हकूक़ के इजलास में इसराइल की जानिब से पाकिस्तान पर तनकीद पर दफ्तर खारजा ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ इसराइली बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। इसराइल पाकिस्तान को आसानी हकूक़ पर नसीहत नहीं कर सकता, इसकी अपनी तारीखी फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम से भरी पड़ी है। इसराइल का बयान बुनियादी तौर पर दीगर रियासतों की एक बड़ी अक्सरियत के बयानात से मुतसादिम है। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम की तवील तारीख के पेश नज़र हकूक़ इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में पाकिस्तान को उसके मशवरे या नसीहत की ज़रूरत नहीं है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसल ने आज पाकिस्तान के आलमी रिपोर्ट को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है। मुत्तहिद रियासतों और सिविल सोसाइटी के तंजीमों ने इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ में पेशरफ्त पर पाकिस्तान की तारीफ़ की।